दोस्तों पिछले वीडियो में हमने एसी का सॉकेट लगाना सीखा था अब हम इसका थ्री पिन टॉप लगाएंगे देखिए पच्चीस एमपियर का थ्री पिन टॉप है देखिए दोस्तों जो हमारा पुराना 16 एमपियर का जो थ्री पिन टॉप था वो जल गया था तो इस बार हम पच्चीस एमपियर का लगाएंगे उसी तरीके से लगेगा जिस तरीके से सोलह एमपियर लगता है ये देखिए इसकी थोड़ी क्वालिटी अच्छी दिख रही है हमने इसके ऊपर वाले स्क्रू खोलेंगे और जो हमारी जो केबल है उसको इस तरीके से छीलेंगे कि बीच वाला हरा वाला वायर लंबा होगा और दोनों छोटे जो वायर होंगे काला और लाल वाला वायर थोड़ा छोटे छीलेंगे सबसे पहले हम थ्री पिन टॉप को खोल लेंगे उसके ऊपर उस वाले जो बीच में स्क्रू लगे हुए हैं दोनों को एक एक करके खोलेंगे जो नीचे जो छोटे स्क्रू लग रहे हैं वो हम नहीं खोलेंगे वो जब काम में आता है जब हमें कोई दूसरी पतली वायर लगानी होती है अभी हमारी काफ़ी मोटी वायर है क्योंकि हम ए की वायर इसमें लगाएंगे ये इसका पाइप है छोटा सा इसको हम सबसे पहले अपने जो ए का जो वायर है केबल है उसमें डाल लेंगे क्योंकि कई बार इसको हम भूल जाते हैं और भूलने के बाद में हम इस जैसे हम कनेक्शन करते हैं तो ये उसमें नहीं लग पाता दोबारा देखिए हमें नहीं खोलना है क्योंकि ये जब हमारा कोई पतला वायर होता है तो उसकी ग्रिप को पकड़ने के लिए होता है अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एन और एल आपको लिखा हुआ मिल जाएगा जैसे ही आप इसको पलटेंगे पीछे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर पिन के यहाँ पे एन लिखा होता है यानी कि न्यूट्रल और दूसरा वाला जो पास में लगा हुआ है वो हो गया लाइन का और सबसे ऊपर जो होता है वो होता है अर्थिंग का यानी कि मोटर वाला वायर अर्थिंग का होता है अब हम इसको एक एक करके छील लेंगे दोस्तों हमको ज्यादा लंबा वायर को नहीं छीलना है क्योंकि ज्यादा लंबा छीलने के बाद में भी ये ढंग से काम नहीं करता है एक एक करके हम इसके छील लेंगे यानी जो लाल वाला है वो लाइन का होगा जहाँ पे एन लिखा होता है वहां पे कनेक्ट होगा काला वाला एन वाला न्यूट्रल का और जो अर्थिंग का वाला है हरा वाला वो सबसे ऊपर कनेक्ट होगा ग्रीन वाला तो देखिए दोस्तों थोड़ी सी वायर हम इसको मोड़ लेते हैं ताकि इसकी ग्रिप अच्छी बन जाए हमारे थ्री पिन टॉप के अंदर वायर लंबी नहीं होनी चाहिए इसको छोटा करने के लिए आप मोड़ भी सकते हैं दोनों टर्मिनल को अच्छी तरीके से खोल लीजिए उसका यानी पिता भी मत खोली कि ये स्क्रू ही बाहर आ जाए आपका अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो सबसे पहले काला वाला इसके अंदर लगाते हैं क्योंकि आप पीछे देखेंगे एन वाला है वो काले वाला ही इसके अंदर मार्क किया हुआ है जो ये काला वाला इसके अंदर वायर लग चुका है अब दूसरा बच्चा लाल कलर का यानी कि इस पर एन लिखा हुआ है वो लाइन का हो गया अगर ये दोनों वायर आपस में चेंज भी हो जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों क्योंकि कई बार कई लोग ध्यान देते हैं, नहीं है फिर भी इसको लगा देते हैं अब जो अर्थिंग वाला वायर है वो हमने सबसे ऊपर लगा दिया है यानी कि ग्रीन वाला यानी कि काला और लाल आपस में चेंज हो सकते हैं लेकिन जो अर्थिंग वाला वायर है वो हमेशा ऊपर रहेगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा अगर वो ऊपर की जगह हम नीचे लगा देंगे तो हमारे ए में या भी कोई भी चीज़ में करंट आना चालू हो जाएगा इसका आपको खास तौर पर ध्यान रखना है अब देखिए दोस्तों हमने इसमें ग्रिप लगा दी है जो हमारा पाइप था वो ग्रिप का काम करता है इसके अंदर अब हम दोनों स्क्रू वापस से कस लेंगे और कसने के बाद में आप देखिए आपका जो थ्री पिन टॉप है वो लग लग चुका है यानी कंप्लीट हो चुका है हमारे सॉकेट में जाने के लिए लेकिन दोस्तों ध्यान रहे हमारे जो भी स्क्रू वगैरह कसते हैं हमारे जो केबल वाले वो अच्छी तरीके से टाइट होनी चाहिए मजबूत होनी चाहिए अब देखिए दोस्तों सबसे ऊपर जो अर्थिंग वाला है वो थोड़ा पुश करेंगे तो नीचे के दोनों होल खुल जाते हैं और हमारा थ्री पिन टॉप लग जाता है तो दोस्तों कैसा लगा आज का टॉपिक प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा